हूँ तो आप देख सकते हैं 2024 फरवरी के 1 फरवरी को जो है बर्फबारी हुई और इस साल जो है ये बर्फ पहली बर्फ देखने को मिली। तो इस तरह से जो है बर्फ का आनंद ले रही है और धूप भी खिली हुई है आज। और ये ला रहे हैं कपड़े धो के, ऐसी बर्फबारी नहीं दी जाए कपड़े धो रहे हैं। और यहाँ पर सभी महिलाएं जो है आज कपड़े धो रहे हैं क्योंकि इनको जो है बर्फ लगने के कारण जो है जंगल में घास लकड़ी के लिए जाना नहीं पड़ा, तो आज जो है यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं। कितनी बढ़िया लोग भी यहाँ पर जो है बर्फ का आनंद ले रहे हैं आज। इस तरह से जो है यहाँ पर ये बर्फ गिरी हुई है बैठे हुए, ये साल जो है बहुत लेट बर्फ गिरी ना। आप में बहुत मजा ले रहे हैं, इधर एहसान ना आएगी। देखो क्या कुदरत की चीज पड़ गई, जो ये से चीज में हमारा बहुत ध्यान पड़ गया यार। कितनी बर्फ गिरी इस बार? इस बार तो ये पहली बार गिरी है अभी, पर ये देखो कि लगभग दो फीट दो ढाई फीट गिर गए, ढाई फीट के करबन गिर गए। इसमें क्या मजा ले रहे हैं, सामने सेब के पेड़ लगाया पिछले साल, इसमें ऐसे पड़ गए जैसे, ये बहुत आनंद आ गए पेड़ को भी कि क्या मजा पड़ गए इसे। ये खाद के रूप में भी काम करता है सेब के लिए, जैसे खाद के रूप में भी काम करेगा किसी रूप में भी, बहुत सेब का पेड़ बहुत आनंद लेगा। और आलू के खेत के लिए, आलू के खेत में भी कीड़ी नहीं लगेगा, किट मेरी मरेगा वो आलू भी, जो बहुत फल फूल रहेगा बहुत फल देगा। और इस तरह जो है यहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ताकि जो है बर्फ गिरने पर जो है गर्म रहेंगे और गर्मियों में जो है ये ठंडे रहते हैं। और ये यहाँ नेपाल से आ रखा है और यहाँ पर काम कर रहा है, आज बर्फ गिर गई, ये भी नाच रहा है मस्त में। और कैसे लग रहा है भाई? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तुम्हारे नेपाल में गिरती है बर्फ? हाँ, हमारे नेपाल में भी कल सुबह फोन किया था, इतना तो नहीं गिरा बोल, थोड़ा कम मत बोलिए, एक डेढ़ फीट करीब गिरा बोल। कैसे लग रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बहुत बढ़िया लग रहा है जी, इतने बर्फ के आज इतने मजा आ रहे की सुंदर नजारा आ रहा है यहाँ पे, भयंकर। चलो ठीक है फिर। ठीक है जी, राणा जी नमस्ते। हाँ जी, किधर चले आप? इधर जा रहे हैं सर, पानी की समस्या। अच्छा, पानी लगाने के लिए। चलो, बर्फ बहुत गिर रखी है, वो भी वहाँ कैसे जाओगे?
बर्फ तो बहुत गिर गई यहाँ, बस बर्फ क्या है यहाँ तो। पहले आप लोगों की परेशानी भी हो रही है, यहाँ आने जाने की परेशानी बहुत है। चलो कोई नहीं, अब रोड को आने वाली है। हाँ, और ये ले जा रहे हैं जलाने के लिए लकड़ी। जिर जिर दिया थे मामी। और ये ले रहे हैं बर्फ का आनंद, ये छोटा बच्चा भी बर्फ का आनंद ले रहा है। और इस तरह से हमारे यहाँ जो भेड़ पालन करते हैं लोग, उसकी ऊन निकालते हैं और इस तरह से जो है इसको पहले कंघी से कोरना पड़ता है, उसके बाद इस तरह से बना के उसके बाद उसका सूत काट के उसके स्वेटर और पंखी कंबल कई प्रकार की चीज़ें बनती है। ये भी बर्फ में आनंद ले रहे हैं आज। और ये भी आजकल जब विदेश से घर आ रखा है शिवपाल रावत, और आज बर्फ का आनंद ले रहा है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आजकल? बढ़िया लग रहा है गुरुजी। और ये भी वीडियो बना रहा है। और ये गाय हमारे यहाँ इस तरह से जो है बर्फ में इनके कोई असर नहीं पड़ता है। और ऐसे जंगल में भी जो है इनको बाहर लगा रहे हैं, ऐसे बर्फ में भी जंगल की तरफ लगा रहे हैं इनको, थोड़ा धूप सेकेंगे उसके बाद बांधेंगे इनको अंदर। हेलो दोस्तों, तो आपको मैंने इस तरह से जो है गंगे गांव को दिखाने की कोशिश की कि बर्फ में किस तरह से जो है हमारा जीवन है और कैसे जो है लोग यहाँ काम करते हैं, किस तरह से यहाँ के गांव दिखाई देते हैं और कितने यहाँ बर्फ़ गिरती है, कैसे यहाँ खेत हैं। और आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।